वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनमें से एक 29 वर्षीय जवान विनोद कंडारी डोईवाला का भनियावाला का निवासी बताया जा रहा है। पार्थिव शरीर को मंगलवार को विशेष विमान से जोली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया, जहां शहीद के पार्थिव शरीर को सिकर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सेना के जवानों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए दुख की घड़ी है और उत्तराखंड सरकार पूरी तरह शहीदों के परिजनों के साथ है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज पूरा देश परिजन प्रदेश साथ में से हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो कोई एक परिवार के सदस्य नहीं है, एक माँ के बेटे नहीं है, पूरे देश के बेटे हैं, पूरे देश के भाई हैं, पूरे देश के परिवार के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो बलिदान किया है वो देश की रक्षा के लिए दिया है, हम सबकी रक्षा के लिए किया है। और इस हमले में उत्तराखंड देवभूमि के 5 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कायराना हमला है, इसकी जितनी लेकिन इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा, तो इस बात का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है और हर संभव हम उनके मान सम्मान के लिए उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे। हम अपनी सरकार पहले से भी और निकट भविष्य में हर प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में इन सभी हमारे वीर बांकरों का नाम अंकित होगा।